मार्केट में ऐसी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि अलग अलग साइजेस में आती हैं जैसे हम हर बार लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बात करते रहते हैं वैसे ही आज एक ऐसी कैटेगरी की बात करेंगे जहां पर फंड मैनेजर्स अक्रॉस डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कैटेगरी का नाम है डिविडेंट ईल्ड फंड्स तो आज इस कैटेगरी के एक एनएफओ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एसबीआई डिविडेंड आई ईल्ड फंड एनएफओ। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड सबसे पहले इस फंड के कैटेगरी के बारे में समझते हैं ये फ़ंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ही कैटेगरी में आते हैं डिविडेंड यील्ड फंड्स में फ़ंड मैनेजर उन कंपनीज में एलोकेशन करते हैं जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं डिविडेंड को एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए एक कंपनी का शेयर प्राइस सौ रुपये है और वो साल में हर शेयर पर पाँच रुपये का डिविडेंड देती है इसका मतलब कंपनी का डिविडेंड यील्ड एक साल का पाँच परसेंट होता है यूजुअली डिविडेंड वो कंपनीज़ डिक्लेयर करती हैं जो रिलेटिवली प्रॉफिटेबल होती हैं इन कंपनीज़ की अर्निंग्स और ग्रोथ दोनों ही अच्छी होती हैं एस बी आई डिविडेंड ईल्ड फंड अपनी मिनिमम सिक्सटी फाइव परसेंट एलोकेशन इक्विटी में रखेगा और उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पर कंपनी ने एटलीस्ट पिछले तीन फाइनेंशियल ईयरस में डिविडेंड डिक्लेयर किए हों ओवरऑल गोल यहाँ पर एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट डिविडेंड ईल्ड पोर्टफोलियो बनाना है जहाँ पर एग्रीगेट ईल्ड निफ्टी फिफ्टी से फिफ्टी परसेंट ज़्यादा हो यहाँ पर फंड मैनेजर बॉटम अप अप्रोच यूज़ करेंगे बॉटम अप अप्रोच में कंपनीज की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वैल्यूएशन को देख कर कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है साथ ही साथ यहाँ किसी भी तरह का सेक्टर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा चलिए अब एस बी आई डिविडेंड ईल्ड फंड एन एफ ओ के की फीचर्स को देखते हैं इस एन का सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी एथ फेव से लेकर सिक्स मार्च 2023 तक ओपन है ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विद्रॉल ऑप्शन दोनों ही अवेलेबल हैं एस बी आई डिविडेंड ई फंड एन में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फाइव थाउजेंड रुपीज़ की होनी चाहिए एंड इन केस यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू एस तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फाइव हंड्रेड रुपीज़ है इस फंड के मैनेजर मिस्टर रोहित शिम्पी हैं जो इक्विटी पोर्शन संभाल रहे हैं बाकी फ़ंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एक्जिट लोड लगेगा अगर आप अपने 10% से ज़्यादा यूनिट्स को 365 डेज के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको 1% का एक्जिट लोड लगेगा अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज करने के 365 डेज के बाद में बेचते हैं तो उस पर आपको कोई भी एक्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा अब बात करते हैं इस फंड पर होने वाले गेंद्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाते हैं तो इस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट्स होंगे वो इक्विटी के ही होंगे अगर आप यूनिट्स को एक साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा विच इज एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट अगर आप अपनी यूनिट्स को एक साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा विच इज एट द रेट ऑफ टेन परसेंट लेकिन ध्यान रहे, ये 10 भी आपको तभी देना पड़ेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेंस इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर एक लाख रुपए से ज्यादा होंगे तब ये था एस बी आई डिविडेंट ईल्ड फंड एन एफ ओ के फीचर्स के बारे में अब सवाल ये आता है कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट कितने मिनिमम टाइम पीरियड के लिए करना चाहिए ये एन उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं फॉर अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट थ्री टू फाइव ईयर्स अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चन या कॉमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारी वेबसाइट जेड पर भी लिख सकते हैं इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड